नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। कोरोना काल में विश्व की 50 बड़ी हस्तियों ने पीएम मोदी से एक अपील की है। इन हस्तियों ने सामूहिक हस्ताक्षर के जरिए पीएम मोदी से राजनीतिक बंदियों को छोड़ने की अपील की। इन हस्तियों ने एक साझा बयान जारी कर भारत सरकार से गिरफ्तार किए गए सभी मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और राजनीतिक बंदियों को छोड़ने को कहा है। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में कई यूरोपियन देशों के संसद सदस्य, अकादमिक वकील, नोबेल प्राइज विजेता, सिविल सोसाइटी के नेता और कई संगठन शामिल हैं। बयान में अपील की गई है कि भारत सरकार दया और जिम्मेदारी दिखाते हुए मौजूदा कोविड इमरजेंसी में मानवाधिकार रक्षकों को रिहा कर दे। इसमें कहा गया है कि भारतीय जेलों में कोविड फैलने की वजह से इन लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है। बयान में कोविड प्रभावित कैदियों, जेलों में बढ़ती कैदियों की संख्या और खराब हेल्थ केयर पर चिंता जताई गई। इन हस्तियों ने अपने बयान में भीमा कोरेगांव केस का जिक्र किया है। बयान में कहा गया है कि इनमें गिरफ्तार हुए ज़्यादातर लोग वरिष्ठ नागरिक हैं और उन्हें कई और बीमारियां भी हैं। बयान में कहा गया, सभी मानवाधिकार रक्षकों का मजदूरों, अल्पसंख्यकों, दलितों और आदिवासियों के लिए शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीकों से लिखने, बोलने और काम करने का रिकॉर्ड है। बयान में चेतावनी दी गई है कि इन लोगों को रिहा न करने से देश नागरिकों की जान की रक्षा करने के अपने संवैधानिक दायित्व का उल्लंघन करेगा। बयान पर हस्ताक्षर करने वालों में यूएन वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन के पूर्व अध्यक्ष जोस एंटोनियो गुएरा, बर्मुडेज कैंटरबरी के पूर्व आर्क बिशप रोवन विलियम्स और जर्मनी, यूके, स्पेन, आयरलैंड समेत कई देशों के संसद सदस्य और वकील शामिल हैं। बयान के साथ एक खुला खत भी लिखा है जिसमें 1200 से ज़्यादा अकादमिकों और अकादमिक संस्थानों का समर्थन मिला है। इसमें भारत में कैद अकादमिक और सिविल लिबर्टी एक्टिविस्टों को रिहा करने की अपील की गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।